हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विदेश यात्रा चैनल। मैं हूँ मयूरी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ यूके वर्सेस इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का। सो अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है इंडिया के अंदर कि सभी स्टूडेंट को बाहर पढ़ने जाना होता है, कोई भी कंट्री सिलेक्ट कर देते। तो आज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है यूके कंट्री। बहुत सारे स्टूडेंट यूके में जा रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट के पास ऐसे भी क्वेरीज होती है कि उनको आईएल्स के साथ जाना है या बिना आईएल्स के साथ जाना है। तो बहुत सारी क्वेरीज के साथ वो एक बार पूरा उनका जो भी जाने का प्रोसेस होता है वो प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद वहाँ पहुँच जाते हैं। बट उनको सबसे ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। तो मैं आज वही सिस्टम के बारे में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ विद द कंपेरिजन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। इंडिया के अंदर 3 टाइप के एग्ज़ाम आते हैं पूरे साल के अंदर। वो एग्ज़ाम के अंदर आपको परसेंटेज आपके लिए बहुत मैटर रखते हैं और तीनों एग्ज़ाम्स आपको देनी रहती है। और हर एक एग्ज़ाम के अंदर अलग अलग टाइप के जो भी आपके सिलेबस होते हैं वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आपको एग्ज़ाम देनी पड़ती है और उसमें अपियर होना पड़ता है। और जब यूके की हम बात करें तो यूके के अंदर ऐसा होता है कि उसमें इंटैक होती है। इंटैक के अंदर आपका सेमेस्टर्स होता है। सेमेस्टर के अंदर आपको एग्ज़ाम्स नहीं होती, छोटी छोटी क्वीज होती है, प्रेजेंटेशंस होते हैं, ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं और असाइनमेंट्स होते हैं। तो वहाँ पे इंडिया जैसा नहीं है कि भाई आपको एग्ज़ाम देनी है। यहाँ पे होते हैं ज़्यादातर आपका फोकस ऑन असाइनमेंट्स के ऊपर। असाइनमेंट्स में ऐसा होता है कि जैसे आपको कोई केस स्टडी दी जाती है या फिर आपको खुद वो केस स्टडी को चूज़ करना पड़ता है, गूगल से सर्च करना पड़ता है, वही केस स्टडी को पूरा पढ़ के समझ के उसके ऊपर असाइनमेंट लिखना रहता है। और जैसे इंडिया के अंदर अगर आपको कुछ प्रोजेक्ट आते हैं, जैसे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होते हैं, इंजीनियरिंग में होते हैं या मास्टर्स में होते हैं, तो वो प्रोजेक्ट के अंदर आपको कोई गाइड अलोकेट करते हैं और ट्यूटर होते हैं या टीचर्स आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेने और देने में हेल्प करते हैं। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर आपको खुद रिसर्च करना पड़ता है। आपकी राइटिंग स्टाइल अच्छी होनी चाहिए, आपकी पैराफ्रेजिंग स्टाइल अच्छी होनी चाहिए। आप कोई भी डेटा आप लेते हो तो उसको कहीं से भी कॉपीराइट्स या कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें यूके में ज़्यादा फोकस करनी पड़ती है और यहाँ पे ऐसा ही चलता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में आप कैसे करते हो कि आपके पास असाइनमेंट्स आ गए, काफ़ी कॉलेजेस में बच्चे एक ही असाइनमेंट में से 15-20 कॉपी बन जाती है। बट यूके में ऐसा नहीं होता। अगर एक के जैसा दूसरे स्टूडेंट ने भी बना दिया तो उसको कॉपी केस लग जाता है, तो वो वहाँ पर सीरियस मैटर होता है और पूरी पैनल बैठती है कि तुमने ये स्टूडेंट का कॉपी कैसे किया। तो ये एजुकेशन सिस्टम में दोनों में डिफरेंस होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे असाइनमेंट्स होते हैं इंडिया के अंदर, उसका कोई वेटेज नहीं होता। अगर होता है तो 10-20 मार्क्स का होता है। जैसे यूके में जाए तो यूके में एग्ज़ाम्स ही नहीं होती है, होती है तो छोटी छोटी, उसका उल्टा हो जाता है। 10-20 मार्क्स की या मैक्स टू मैक्स 25 मार्क्स की क्वीज़ होती है। वो क्वीज़ भी आपको ऐसा नहीं होता कि एग्ज़ाम का माहौल क्रिएट करे। जैसे आपके असाइनमेंट्स के स्लॉट चलते उसी टाइम के कोई एक आपका जो भी चैप्टर्स होता है, आपका कोर्स की डिटेल्स होते हैं, इन बिटवीन वो लोग क्वीज़ आपकी अरेंज कर देते हैं और उसमें आपको 24 आवर की विंडो मिलती है कि वो क्वीज़ आप जब भी आपके पास टाइम मिले आप वो क्वीज़ को अटेम्प्ट करके आपके जो भी मार्क्स होते हैं वहीं पे आपको डिस्प्ले हो जाते हैं। और इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में पूरी एग्ज़ाम होती है, उसके बाद उसका पेपर चेक होता है और उसके बाद रिजल्ट डिस्प्ले होता है। तो ये पूरा एक माहौल क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर तो जैसे आपने एग्ज़ाम दे दी यूके के अंदर, फिर आपको तुरंत आपका जो भी ग्रेड्स होते हैं वो मिल जाते हैं। उसके बाद आपकी असाइनमेंट्स में ऐसा होता है कि हर स्टूडेंट को सेम असाइनमेंट मिलते हैं पर हर एक सब्जेक्ट के वाइज होता है। काफ़ी सब्जेक्ट्स में ऐसा होता है कि असाइनमेंट्स कम होते हैं और क्वीज ज़्यादा होती है, और काफ़ी सब्जेक्ट्स में ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं। ग्रुप प्रोजेक्ट के अंदर स्टूडेंट को मिलके पूरी केस स्टडी होती है या फिर कोई कोई जगह पे जाके रिसर्च करना होता है या R&D करके पूरा रिपोर्ट बना के उसका प्रेजेंटेशन सबमिट करना रहता है। जैसे इंडिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। ग्रुप प्रोजेक्ट होता है तो दो लोग ऐसे घूमते हैं, दो लोग ऐसे करते हैं, फिर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो लास्ट में सबमिट कर देते हैं। बट यूके में ऐसा नहीं होता। यू हैव टू कंपल्सरी डू सम एक्टिविटी एज अ ग्रुप मेंबर। तो यहाँ पे ऐसा होता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया के अंदर पेन पेपर से ही पूरी एग्ज़ाम कंडक्ट होती है। नो डाउट कोविड के अंदर थोड़ी बहुत ऑनलाइन एग्ज़ाम चली गई थी, बट यहाँ पे एग्ज़ाम्स ऑनलाइन ही होती है और असाइनमेंट भी आपको वर्ड फाइल के अंदर खुद टाइप करना पड़ता है। और यह जैसे असाइनमेंट्स खुद टाइप करते हो तो आपके पास रीडिंग राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। दैट्स वाई आपको ओवरसीज़ में पढ़ने जाने के लिए IELTS का कंपलसेशन है।
क्योंकि यहाँ से आपकी ट्रेनिंग हो जाती है कि आप राइटिंग में कितने अच्छे हो और रीडिंग में कितने अच्छे हो, ये दोनों जैसे आप IELTS में अपियर करके आपके अच्छे बैंड आते हैं, उसके बाद आपको वहीं जैसे कोई भी कंट्री में जाते हो वहाँ जाके कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं आएगा रीडिंग और राइटिंग में, तो यहाँ से आपकी स्किल और डेवलप्ड हो जाएगी। उसके बाद UK के अंदर जो भी तीन मैंने आपको बता दिए इंटेक्स आते हैं, वो इंटेक्स में एक आपका पूरा सेमेस्टर होता है, वो सेमेस्टर ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आपके रिजल्ट्स आते हैं और वहाँ पे मार्किंग सिस्टम 50% पासिंग होती है। तो आपको दो टाइम मिलेगा वही सब्जेक्ट को रेसिट करने के लिए, उसके बाद आपकी डिग्री कन्वर्ट होकर डिप्लोमा में चली जाएगी, तो आपको दो बार चांस मिलेगा वही सब्जेक्ट को पास करने के लिए। तो आपको थोड़ा बहुत फोकस करना पड़ेगा कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में सर्टेन सिचुएशन के हिसाब से आप प्रिपेयर नहीं कर पाए हो या आपको लगता है आपने सीरियस नहीं लिया है, तो आपके पास और दो चांसेस होते। काफ़ी कॉलेजेस आपको रेसिट देती है जिसमें आपको फ़ीस नहीं भरनी पड़ती है, और काफ़ी कॉलेजेस के अंदर रीसिट के लिए आपको असाइनमेंट्स ही पूरा नया देते हैं। तो यहाँ पे तीन चांसेस आपके पास बनते हैं, वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, डिपेंड कॉलेज टू कॉलेज। फर्स्ट ऐसा होता है कि कॉलेज आपको रेसिट देती है सेम असाइनमेंट के फीडबैक को चेंज करके आपको वापस से अपडेट करना होता है। सेकंड ऐसा होता है कि कॉलेज आपको रेसिट देती है बट असाइनमेंट चेंज हो जाता है ताकि आपको वापस से नया असाइनमेंट बनाना होता है। और तीसरा ऐसा होता है कि यू हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर, तभी आपका ये सब्जेक्ट आएगा और उसके अंदर आपको नया भी बनाना होता है या फिर उसके अंदर कोई भी चेंजेस आता है तो आपको वो उसके हिसाब से करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, UK एजुकेशन सिस्टम मैंने आपको बता दी, 2 साल का कोर्सेज होता है, 1 ईयर का होता है और 3 ईयर का भी होता है। आप जहाँ पे भी जो भी कोर्सेज लेते हो सिस्टम तो ऐसे ही रहेगी, क्विज़ और असाइनमेंट ये दोनों सबसे ज़्यादा रहते हैं और कहीं कहीं सब्जेक्ट में वो लोग ग्रुप स्टडी और प्रोजेक्ट देते हैं। तो ये पूरा सिस्टम ऐसे होता है जिसके अंदर आपका IELTS का इम्पोर्टेंस आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से IELTS क्यों देके जाते हैं ताकि वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स ना आए। सो आज के वीडियो में इतना ही, मैं हूँ मयूरी, साइनिंग ऑफ, जय हिंद।